गुरुवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर 13,331 लोगों का टीकाकरण कराया गया, जिसमें 18 से ऊपर के 5,596 तथा 45 साल के ऊपर के 7,735 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। बारिश के बाद भी टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविशील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण जिला अस्पताल के MRI विभाग में किया जा रहा है। टीका लगवाने आए लोगों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना को मात देने में वैक्सीन काफी लाभदायक नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग लाइन लगाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिससे भविष्य में सुरक्षित रहें। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से अपील किया कि अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जिससे जिले को कोरोना से मुक्त कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने वाले लोगों और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, मेरा नाम अतुबा रहमान है। आपने कब स्लॉट बुक करवाया था? जी, मैंने कल स्लॉट बुक किया था, खुद से किया था, ऑनलाइन रजिस्टर किया था मैंने। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो नहीं हो रही है, पर ट्राई बहुत करना पड़ रहा है, वन टाइम में नहीं हो पा रहा है। अभी तो नॉर्मल है, होप सो आगे भी नॉर्मल हो ऐसे ही। मोहम्मद तंजीम, ये मैंने कल ब्लॉग बुक कराया था घर पर ही, खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू। थोड़ा टाइम लगा मगर हो गया। नहीं, ठीक लग रहा। अब तो वैक्सीन के बाद ठीक ही लगेगा, अब नेक्स्ट डोज की तैयारी है। रिया मेहता, मैं अलीनगर से आई हूँ और मुझे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हुई है। पूजा चतुर्वेदी, वैक्सीनेशन के लिए जो बुक किया था उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, और मैं रुस्तमपुर से हूँ। हाँ, वैक्सीनेशन बुक किया था। क्या सर? यस सर। आज हमारे 86 सेंटर में वैक्सीनेशन हो रहा है, और उसमें से 37 सेंटरों पर 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, बाकी पर 45 प्लस का वैक्सीनेशन हो रहा है। और हम पिछले 2-3 दिनों से 10,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज भी हमारा 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, और वैक्सीनेशन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों में थोड़ी सी 18 प्लस में दिक्कत हो रही है कि लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, तो हम उम्मीद जताते हैं कि चूंकि ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में सबको आसानी से स्लॉट मिलना शुरू हो जाएगा, और हम वैक्सीनेशन कराना शुरू, सबका वैक्सीनेशन करा देंगे।